तो हेलो फ्रेंड्स, मैं ललित चनी और आप देख रहे हैं माई कार। आज मैं आपको दिखाने वाला हूं हुंडई की जो अभी रिसेंटली जो गाड़ी लॉन्च हुई थी हुंडई एक्स्टर, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो उसका ये मिडिल वेरिएंट है एस, और सिमिलर ही एस ऑप्शनल भी दिखता है। दोनों मॉडल के अंदर ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है, ओनली ब्रेकिंग सिस्टम का ही फर्क रहेगा। अभी जो एस मॉडल हमारे साथ में मौजूद है और इसके अंदर क्या क्या फीचर्स मिलने वाले हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये व्हाइट कलर के अंदर मॉडल है। अभी जो एक्स्टर के अंदर आप फ्रंट से देखेंगे तो आपको हुंडई का लोगो देखने के लिए मिलेगा, वहीं ये एक्स्टर की जो बैजिंग है वो भी आपको यहाँ पर फ्रंट के अंदर देखने के लिए मिलेगी। उसके अलावा बात करते हैं की आपको कुछ इस तरीके की मिलने वाली है, जिसके अंदर आपको एक अंदर सेंटर लॉक मिलेगा, दूसरी ये इस तरीके की शादी की आपको मिलने वाली है। यहीं अभी आप फ्रंट के अंदर देख सकते हैं LED और DRL भी आपको इस मॉडल के अंदर मिलने वाली है। ये देख सकते हैं फ्रंट के अंदर, और आपको LED DRL मिलने वाली है। नीचे आपको जो हैलोजन हेडलैम्प्स मिलने वाले हैं, ये देख सकते हैं बड़े साइज के अंदर। जो फ्रंट का जो लुक है वो काफी अच्छा लग रहा है। इसके अलावा ये आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक कार्स की तरह जो दिखती है उस टाइप की आपको ग्रिल भी मिलने वाली है, और जो बम्पर है वो ड्यूअल टोन मिलने वाला है, जिसके ऊपर आपको सिल्वर कलर की स्किड प्लेट भी मिलने वाली है। ये देख सकते हैं यहाँ। तो ओवरऑल फ्रंट का लुक कुछ इस तरीके का आपको देखने के लिए मिलेगा। अभी मैं आ जाता हूँ साइड के अंदर, तो साइड का भी कुछ इस तरीके का देखने के लिए मिलेगा, जिसके अंदर आप देख सकते हैं गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 190 mm है, वो सेम ही रहेगा सभी मॉडल्स के अंदर। और टायर की बात करें तो 14 इंच के आपको टायर मिलने वाले हैं, 165/70 और R14। और व्हील कवर आप देख सकते हैं इस तरीके के, जिस तरीके के अलॉय व्हील्स आते हैं उस टाइप के आपको व्हील कवर मिलने वाले हैं। फिर और जो साइड के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर, और आपको बॉडी कलर के मिरर्स मिलने वाले हैं, इंडिकेटर आपको यहाँ पर मिलेगा, और ओवरऑल जो साइड का लुक है कुछ इस तरीके का आपको देखने के लिए मिलेगा। ब्लैक और SUV ये कार है, तो उस वजह से यहाँ पर आपको ये ब्लैक और व्हाइट कलर का कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिलेगा। नीचे आप ये देख सकते हैं ब्लैक कलर का रनिंग बोर्ड के ऊपर लगाया हुआ है, जो लुक को एनहेंस कर रहा है साथ में। और इससे यह भी फायदा है कि आपकी अरेस्टिंग वगैरह गाड़ी के अंदर नहीं आएगी, क्योंकि नॉर्मली जो रनिंग बोर्ड्स वगैरह होते हैं उसमें जंग वगैरह आ जाता है। अभी मैं आपको ले चलता हूँ पीछे। तो रियर से कुछ इस तरीके का लुक आपको देखने के लिए मिलेगा। पीछे का जो लुक है वो काफी अट्रैक्टिव है एक्स्टर का सभी मॉडल्स के अंदर, और सिमिलर ही है। रियर के अंदर बात करते हैं कि क्या क्या फीचर्स आपको मिलने वाले हैं। तो इस मॉडल के अंदर आपको ये माइक्रो एंटीना मिलने वाला है, इसके ऊपर लगा हुआ नहीं है। उसके अलावा फिर ये हाई माउंटेन स्टॉप लैंप मिलने वाली है, और नॉर्मल आपको ये ग्लास मिलेगा, इसके अंदर डिफोगर का ऑप्शन नहीं है। ये देख सकते हैं यहाँ पर 6 एयरबैग स्टैंडर्ड ये लिखा हुआ है, और एक्स्टर के हर मॉडल के अंदर आपको 6 एयरबैग मिलते हैं, तो ये यहाँ पर इसलिए ये लिखा हुआ है। उसके अलावा यहाँ पर ये 3D ग्राफिक्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। जैसा कि फ्रंट के अंदर आपको इलेक्ट्रिक कार्स के अंदर आता है ग्राफिक्स वगैरह, वैसा ही आपको रियर के अंदर भी देखने के लिए मिलेगा। रियर टेल लैंप की बात करें तो इसके अंदर भी आपको LED मिलेगी। नीचे यहाँ पे रिफ्लेक्टर इंडिकेटर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर ये फोक लैंप भी है। पीछे आपको ड्यूअल टोन बम्पर ही मिलने वाला है। इसके अलावा बात करते हैं पार्किंग सेंसर की, तो आपको 2 इसके अंदर सेंसर मिलने वाले हैं, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। बूट में आपको चेक करवाता हूँ कि बूट के अंदर कितना स्पेस मिलने वाला है। तो जैसे ही मैं इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पर आपको इस मॉडल के अंदर पार्किंग सेंस पार्सल ट्रे भी मिल जाएगी, और यहाँ पर ये एक्स्ट्रा, इसके अलावा ये एक्स्ट्रा व्हील वो आपको इस मॉडल के अंदर मिलने वाला है। और जो सीटिंग वो है वो यहाँ पर आपको सीधी ही होल्ड कर सकते हैं। रियर हेडरेस्ट आपको इस मॉडल के अंदर मिलने वाले हैं। तो जो रियर का जो लुक है हुंडई एक्स्टर का वो बहुत ही शानदार लग रहा है मुझे। उसके अलावा फ्रंट लुक भी उतना ही अट्रैक्टिव है। लुकिंग के मामले में हुंडई एक्स्टर बहुत ही जबरदस्त
लुक के साथ में इस सेगमेंट के अंदर है। अगर कंपेरिजन करें है जहाँ तक मेरे हिसाब से लुकिंग के मामले में इस गाड़ी से बेहतर और कोई गाड़ी नहीं हो सकती। अभी मैं आपको ले चलता हूँ इंटीरियर के अंदर कि इंटीरियर के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो डोर्स के ऊपर बात करते हैं तो आपको चारों पावर विंडो है और लॉक एंड लॉक है, मिरर इलेक्ट्रिक एडजस्ट है, साथ में फोल्डेबल का ऑप्शन इसके अंदर आपको नहीं मिलने वाला है। इंटीरियर के अंदर मैं ले चलता हूँ तो इंटीरियर देख सकते हैं कुछ इस तरीके का आपको इंटीरियर मिलेगा, जिसके अंदर ये सिल्वर और ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन मिलने वाला है। यहाँ पर ग्लास के अंदर बात करें तो यहाँ पर डे नाइट और IRVM मिलने वाला है। फिर जैसे ही मैंने गाड़ी ऑन करी तो कुछ इस तरह के ग्राफिक्स आपको इस मॉडल के अंदर मिलने वाले हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, और ग्राफिक्स काफी अट्रैक्टिव है। इसके अलावा यहाँ पर म्यूजिक सिस्टम की बात करें तो ये देख सकते हैं अटैच वाला म्यूजिक सिस्टम आपको इस मॉडल के अंदर मिलने वाला है, जिसके अंदर एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कार प्ले, ये सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे, जिसके थ्रू आप और पूरी गाड़ी को ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे कि उसके अंदर नेविगेशन वगैरह ऑपरेट करना, वो सारी चीज़ें। यहाँ पर आपको मैनुअल एसी मिलने वाली है, यहाँ पर डिफोकर्स वगैरह के बटन मिलने वाले हैं। पीछे चार्जिंग सॉकेट की बात करें तो यहाँ पे सी पोर्ट और चार्जर मिलने वाला आपको, इसके अलावा ऑक्स है और ये एडिशनल चार्जर आपको यहाँ पर मिलने वाला है। गियर नॉब की बात करें तो ब्लैक कलर का मिलेगा, इसके अंदर क्रोम वगैरह नहीं आएंगे। अभी ये देख सकते हैं यहाँ पर स्टेयरिंग के ऊपर कंट्रोल्स की बात करें तो यहाँ पर वॉल्यूम्स के बटन है और गाने वगैरह चेंज करने के मोड है, वॉइस रिकॉग्निशन का बटन मिलने वाला है। यहाँ पर मीटर के कुछ ऑप्शंस आपको देखने के लिए मिलेंगे, से ड्राइव टू डिस्प्ले और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी आपको इस मॉडल के अंदर मिलने वाला है। जैसे कि अगर आपकी गाड़ी के अंदर किसी व्हील के अंदर टायर के अंदर हवा वगैरह कम है तो आपको और ये इंडिकेट कर देगा। अभी बात करते हैं गाड़ी की स्पेस की, तो अभी मैं जहाँ पर बैठा हूँ मेरी हाइट 5 फीट 8 इंच है। मैं चेक करता हूँ कि रियर के अंदर और कंफर्टेबली सिटिंग के बाद में पीछे और कितना स्पेस अपने को मिलने वाला है। अभी जैसे मैं पीछे आपको स्पेस चेक करवा देता हूँ, पॉलीथीन लगी हुई है उसकी वजह से आपको कम लग रहा होगा, लेकिन ये देख सकते हैं यहाँ पर और अच्छा खासा स्पेस आपको मिल जाएगा। देख सकते हैं अगर किसी की हाइट ज़्यादा भी अच्छा है, फिट भी है, तो इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है कि पीछे का स्पेस काफ़ी अच्छा है। सीट्स की बात करें तो ये देख सकते हैं पीछे की साइड झुकी हुई है, तो लॉन्ग ड्राइव के ऊपर और मतलब लंबा सफर अगर आप करते हो तो आपको थकान वगैरह महसूस नहीं होगी। रियर ये हेडरेस्ट आपको इस मॉडल के अंदर मिलने वाला है। उसके अलावा पीछे की साइड में देख सकते हैं यहाँ पर रियर एसी है, साथ में यहाँ पर ये पावर आउटलेट का बटन भी आपको मिलने वाला है। और ये एक्स्टर का और टॉप वेरिएंट है जो कुछ इस तरीके का देखने के लिए मिलेगा, सिमिलर सा ही लुक है, ओनली फीचर्स का फर्क आएगा, बाकी गाड़ी सेम टू सेम ही रहेगी। अभी गाड़ी की प्राइस की बात करें तो इस गाड़ी की जो प्राइस है वो 7,27,900 रुपये है। इसके अंदर आप ये गाड़ी खरीद सकते हैं। सेफ्टी के अंदर फीचर्स की बात करें तो आपको 6 एयरबैग इस मॉडल के अंदर मिलने वाले हैं, ABS, EBD वगैरह सारे फीचर्स आपको मिलने वाले हैं। उसके अलावा यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि एक ये स्टैंडी बी लगी हुई है जिसके अंदर, और ये क्या क्या चीज़ें मेंशन इन्होंने कर रखी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं डिजाइन ग्रिल, एक्स्टर ब्रांडिंग ऑन फ्रंट बम्पर, सिग्नेचर HLED DRL, LED टेल लैंप्स, वही सारे फीचर्स है जो मैंने आपको बताए थे। उसके अलावा इंजन की बात करें तो इसके अंदर आपको ये 12 CC का इंजन मिलने वाला है पेट्रोल के अंदर। अगर किसी को CNG चाहिए तो CNG भी आपको इस मॉडल के अंदर अवेलेबल है, जो फर्स्ट इन सेगमेंट है। नीचे ये फीचर्स देख सकते हैं आपको, और इस गाड़ी के अंदर आप 5 साल तक के और गाड़ी की वारंटी एक्सटेंड कर सकते हैं, और गाड़ी की जो ओरिजिनल वारंटी है वो 3 साल और 1,00,000 किलोमीटर तक की आपको मिलने वाली है।
अभी गाड़ी के जो माइलेज की बात करते हैं कि गाड़ी का जो माइलेज है वो क्या है। तो कंपनी जो ARI माइलेज क्लेम करती है वो 19.4 किलोमीटर का माइलेज और कंपनी क्लेम करती है पेट्रोल के अंदर। और वहीं CNG के अंदर बात करें तो CNG के अंदर आपको इस गाड़ी का 27 का माइलेज मिलने वाला है। तो ओवरऑल ये गाड़ी वैल्यू फॉर मनी है। इसके बेसिक वेरिएंट की बात करें तो बेसिक के जो वेरिएंट है उसकी जो शोरूम प्राइस है वो 5,99,000 है। उसके अंदर सारे फीचर्स बेसिक जो अपने को रिक्वायरमेंट होती है वो सारे मिल जाते हैं। अभी मैं आपको ये देख सकते हैं CNG की प्राइस भी मैं आपको बता देता हूँ इससे पहले ये यहाँ पर, और टॉप मॉडल भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सुशील CNG की प्राइस की है, CNG की प्राइस अभी मैं आपको CNG की प्राइस भी बता देता हूँ कि CNG की प्राइस 8,23,990 और हुंडई का जो ये वेरिएंट एक्स्टर एस आता है CNG के अंदर उसकी ये प्राइस है। एक्स्टर प्राइस पूरे इंडिया के अंदर सेम रहेगी, बाकी जो ऑन रोड प्राइस में वेरिएशन आ सकता है। उसके अलावा अगर आपकी कोई क्यूरी है और कौन सा वेरिएंट आप देखना चाहते हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अभी इस गाड़ी का जो सीधा कंपटीशन है वो कई हुंडई की कार्स के साथ में भी है, जैसे कि हुंडई की जो नियोस गाड़ी आती है उससे भी इस गाड़ी का कंपटीशन है। उसके अलावा i20 के साथ में भी है। अगर किसी को SUV गाड़ी चाहिए कम प्राइस के अंदर अच्छी दिखने वाली तो हुंडई एक्स्टर का कोई जवाब नहीं है। इसे अगर आप कंपैरिजन करते हैं टाटा की गाड़ी का तो वो भी सिमिलर सी प्राइस है, बाकी फीचर्स वाइज हुंडई एक्स्टर के अंदर बहुत ज़्यादा फीचर्स आपको मिलने वाले हैं। और ये ललित जी सांकला बोल रहे हैं डीजल में है क्या? जी नहीं, डीजल के अंदर और हुंडई एक्स्टर ने लॉन्च नहीं करी है। अब धीरे धीरे जितनी भी नई कार्स आ रही है हुंडई की उनमें डीजल नहीं आ रहा है। ओवरऑल और हुंडई की जो एक्स्टर कार किस किस को अच्छी लगी वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और हमारा चैनल है यूट्यूब पे, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं माई कार के नाम से।